अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लास्ट वीडियो क्लब में एक तो हम पहले नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक जो है नोट्स में दी गई है फ्रेम्स देखते हैं। फ्रेम्स जो है बेसिकली ये कंसेप्ट सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दे दिया गया था, जो अब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिहाज से जो है क्लासेस जिन्हें हम कहते हैं। तो फ्रेम्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, स्ट्रक्चर्ड डाटा को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेल ऑर्गेनाइज डाटा होता है एज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड देयर वैल्यूज जो है फ्रेम्स का कंसेप्ट एआई में लास्ट सेंचुरी में बहुत पहले से जो है ये मौजूद है। यहाँ पे इस एग्जांपल को भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्नीचर का फ्रेम है, फर्नीचर इज अ थिंग, इट हैज डिफरेंट सरफेस, नंबर ऑफ लेग्स की एक रेंज दी गई है और इसमें सरफेसेस भी डिफरेंट हो सकती हैं। ऑब्वियसली चेयर इज अ फर्नीचर, टेबल इज अ फर्नीचर, और भी डिफरेंट तरह के फर्नीचर होते हैं। चेयर में जो है फोर लेग्स है और उसमें एक फ्लैट सरफेस होती है, उसमें और कंपोनेंट्स में लेग्स होते हैं, फ्लैट सरफेस होती है। इस तरह जो है टेबल में हमारे पास फोर लेग्स होती हैं, एक बिग फ्लैट सरफेस होती है। इसमें हम इसका मटेरियल, कलर और भी एट्रीब्यूट्स इसमें जो है इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से स्टूल इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ चेयर, और इसी तरह से इजी चेयर इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ चेयर, इसमें और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो स्टूडेंट चेयर होती है वो एक खास तरह की चेयर होती है, ऑफिस चेयर जो है वो एक डिफरेंट तरह की चेयर होती है। तो इसमें जो है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स हैं, लाइक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आ जाता है, जिसमें जो है पेरेंट क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स अलोंग विद देयर वैल्यूज जो है वो आपके पास जो है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाती है। इसी तरह से आप जो है डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं, डिफॉल्ट रेंज वैल्यूज दे सकते हैं, रेंजेस दे सकते हैं। तो ये जो है इसमें आप नॉलेज को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट यूज होता था डीमंस, कि आप किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को अगर गेट करते हैं तो इंस्टेड ऑफ वैल्यू वहां पे एक फंक्शन छुपा हुआ है, वो उसी वक्त ही रन होता है और उसी वक्त ही हमें जो है वो कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देता है। इसकी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप कहते हैं कि जी एज का एट्रीब्यूट है फॉर ए पर्सन, अगर हम एक पर्सन का फ्रेम बना रहे हैं उसमें एज का एट्रीब्यूट है। अब अगर आप एज की वैल्यू को फिक्स करके स्टोर कर देंगे अपने सिस्टम में तो वो टाइम तो गुजर रहा है तो उसकी एज तो चेंज होती हो रही है। तो अगर आप उस स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू को गेट करेंगे तो वो अगले दिन इनवैलिड होगी, दो दिन बाद जो है वो इनवैलिड हो जाएगी या एक दो साल बाद इनवैलिड हो जाएगी। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम जो है उसी की एज की वैल्यू को हर मरतबा अपडेट करते रहें। तो वहां पे बजाय स्पेसिफिक वैल्यू के एक स्मॉल फंक्शन हम जो है स्टोर कर सकते हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ को पिक करे और साथ में करंट डेट को पिक करे और दोनों का डिफरेंस गेट करके हमें सब्ट्रैक्ट करके हमें डिफरेंस जो है वो दे दे कि भाई ये इस पर्सन की जो है ये एज है। तो इस तरह के जो है हिडन फंक्शन जो है उन्हें हम डीमंस कहते हैं फ्रेम्स में, एआई टर्मिनोलॉजी में। तो इसके अलावा हम और भी इसमें फ्रेम्स में जो है फंक्शन, जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ऑलरेडी एक वे है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें आप जो है डाटा को और उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी को जो है वो आप कंबाइन कर लेते हैं। तो इसके अलावा नोट्स के अंदर और भी रेफरेंस मटीरियल है, वो आप थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं। मे बी एग्जाम के लिहाज से तो इतना शायद इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी उसमें कुछ आइडिया हो जाए, कोई बैक ऑफ द माइंड में कोई बात बैठ जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक जो हमारी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की चीजें थी वो इम्पोर्टेंट थी, और इसके आगे अब हम जो है इस लास्ट वीडियो क्लिप में असाइनमेंट को भी हम डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक में तो उस सबसे पहले हम जो है असाइनमेंट का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट में आपने ये करना है कि आपने कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल्स लिखने हैं टू इनपुट ए नंबर फ्रॉम यूजर and it's displays multiplication table, first 10 rows of the multiplication table, and also show the status of the working memory and tracing of the rules. जैसे अभी मैंने factorial की example के लिए किया, area of circle के लिए किया। area of circle में तो इतना ज्यादा loop use नहीं हो रहा था, लेकिन जो हमारी factorial की example थी उसमें आपने देखा कि loop use हो रहा था। एक तरह से हम बार बार जो है multiply कर रहे थे numbers को और increment भी कर रहे थे। तो आपने जो है कलेक्शन ऑफ रूल्स, आप दो रूल्स भी बना सकते हैं, तीन रूल्स भी बना सकते हैं, चाहे तो एक रूल्स भी बना सकते हैं। तो ये आपने इसका सोल्यूशन जो है लाजमी ट्राई करना है, रूल्स भी बनाने हैं और उसकी ट्रेसिंग जो है वो दिखानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है अटेम्प्ट करें और बाकी जो है इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और इन वीडियोज को जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको आप लाजमी देखें।
इस तरह से जो है इस वीक की हमारी वीडियोस जो है यहाँ पे एंड होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जो है अलॉन्ग विद असाइनमेंट सॉल्यूशन हम नेक्स्ट जो सर्च का टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।